You're watching Exposed India. उन्नीस मार्च को यूपी की योगी सरकार अपने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है, क्या जनता को मिला और क्या उपलब्धियां सरकार ने हासिल की, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री जी। रमापति जी, क्या लगता है आपको, आपके विभाग ने कोई दो बड़ी उपलब्धियां क्या हासिल की, वो जनता को बताने। पहली उपलब्धि तो यह है कि अभी छात्रवृत्ति जो बांटने की योजना थी पहले, वो सीधे स्कूल में भेजा जाता था, न स्कूल का पता होता था और न छात्र का पता होता था। उसको संशोधन करके हमारी सरकार ने तय किया है कि सीधे छात्र का खाता खोला जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई होगी और ऑनलाइन उसके खाते में छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। ये पहली बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब सीधे किसी बीच में दलालों की ज़रूरत नहीं है, किसी बीच में किसी प्रकार से अव्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, सीधे छात्र के खाते में जाती है। दूसरी उपलब्धि तो हमारी बहुत बड़ी है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक शादी योजना चालू की गई है और हम तो कहते हैं ये दो महीने के अंदर 8,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अब तक शादी हो चुकी है। ये इतनी पॉपुलरिटी गेन कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो घोषणा की थी कि हर लोग अब आने वाले दिन में लगता है कि इसी सामूहिक शादी में ही अपनी योगदान देंगे और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। सामूहिक शादी में हम सुविधा भी देते हैं, 20,000 हम खातेदार या लड़की के खाते में भेजते हैं, 5,000 रुपये टेंट सामियाना और चाय पानी की कह रहे हैं और 10,000 रुपये में लड़की के श्रृंगार का सामान, उसके व्यवस्था का सामान देते हैं, सारी करते हैं, 35,000 रुपया दे रहा हूँ। और सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री योजना ये इतना साकार हो रहा है, इतना व्यवस्थित हो रहा है, इतना पे लोक लुभावन हो रहा है कि लोग इसी पर टूट पड़ रहे हैं। अपनी सरकार में आप अपने विभाग को कितने नंबर देना चाहते हैं? हमारे विभाग, हमारे पूरे सरकार को हम 100 नंबर देना चाहते हैं, हमारे विभाग को भी 100 नंबर देना चाहिए। ये थे रमापति शास्त्री जी, जो विभाग में अपनी कार्यों की उपलब्धता बताने में कहीं नहीं चूक रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता में विकास कार्य चारों तरफ फैल रहा है, पर देखना यह है कि जनता इससे कितनी संतुष्ट है, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन हमजा अहमद के साथ विजय पाटिल, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। हाय, दिस इज विद्या बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज इंडिया।